और दंतेवाड़ा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर लोन वर्राटू अभियान से प्रभावित होकर दस नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। बता दें कि डीआईजी और सीआरपीएफ एवं दंतेवाड़ा एसपी के समक्ष यह समर्पण किया गया। यहीं आपको बता दें कि आत्मसमर्पित नक्सलियों में 8 इनामी नक्सल भी शामिल थे। तो वहीं सभी नक्सलियों ने क्षेत्र में सभी सक्रिय को निकलवाया और साथ ही साथ बंडी उर्फ कोल्लाम मरकाम पर 1,00,000 का इनाम भी घोषित था। तो वहीं बंडी मलंगीर एरिया कमेटी का बुरगुम मिलिशिया प्लाटून कमांडर था और सभी पर हत्या, आगजनी, लूटपाट जैसे मामले भी दर्ज थे। इतनी भारी तादाद में समर्पण से नक्सलियों की कमर पूरी तरीके से टूटी है। तो वही लोन वर्राटू अभियान के तहत अब तक 145 इनामी सहित कुल 578 माओवादी आत्मसमर्पण कर चुके हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे दंतेवाड़ा से, जहां पर लोन वर्राटू अभियान से प्रभावित होकर 10 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। जैसे कि आपको इनफैक्ट सबसे पहले ये बताना बहुत जरूरी है कि ये सभी जो हमारे भाई हैं नीलावाया ग्राम से संबंधित हैं। नीलावाया एक ऐसा ग्राम है जहाँ पे आज से कुछ वर्ष पूर्व ना केवल पुलिस के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, परंतु पत्रकार को भी मौत के घाट नक्सलियों ने उतारा था। और इनमें से एक जो हमारा भाई है नंदा माड़ी, उसके ऊपर 11 अपराध दर्ज हैं। तो कहीं ना कहीं बाहर से आए नक्सली, जो कि आंध्रा से आए नक्सलियों ने यहाँ के भूले वाले आदिवासियों का उनको ब्रेन वॉश किया है, उनको दिग्भ्रमित किया है। और जैसे जैसे शासन की नीतियां अंदरूनी क्षेत्रों तक पहुंच रही हैं, जैसे जैसे सड़क बन रही है, जैसे जैसे मोबाइल टावर लग रहे हैं, वैसे वैसे जो असलियत है वो भी जनता के सामने आ रही है। और वो सब शांतिपूर्वक अपना खुशहाली से अपना जीवन जीना चाहते हैं और इसी कारण से हर एक सड़क का नक्सली विरोध करते हैं, हर एक मोबाइल टावर जो लगता है उसका वो विरोध करते हैं। क्योंकि जैसे ही सड़क बनती है, जैसे ही मोबाइल टावर लगता है, तो उनकी जो खोखली विचारधारा है वो चूर चूर होकर गिरने लगती है, जैसा कि इस केस में आपको देखने को मिली।